वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमारी गुलमर्ग ट्रिप एकदम एडवेंचरस और एक्साइटिंग रही। इसमें हम कश्मीर की बेस्ट स्नोफॉल डेस्टिनेशन पे गए थे। ये तो था कश्मीर का एक एडवेंचरस स्पॉट, बट अब हम आपको लेके जा रहे हैं कश्मीर के उस हिस्से में विच इज़ नोन फॉर इट्स रॉ एंड अनटच ब्यूटी, लश ग्रीन मेडोज, प्रिस्टीन फ्लोइंग रिवर्स, वेयर एवरीथिंग इज़ वेरी स्टिल एंड क्वाइट, और ये बॉलीवुड की भी मोस्ट फेवरेट शूटिंग लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जन्नते कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह पहलगाम। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इसमें हम आपको पहलगाम टूर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कम से कम बजट में पहलगाम कैसे पहुंचा जाए, यहाँ पे आगे कहाँ कहाँ घूमा जाए, होटल्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और खासकर वो लोग जो फैमिली और बच्चों के साथ पहलगाम जाने का प्लान कर रहे हैं। वीडियो के एंड में सेफ्टी रिलेटेड भी हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप यहाँ पे चल रहे छोटे मोटे स्कैम से बचे रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे की गई एक गलती आपके पूरे ट्रिप को स्पॉइल भी कर सकती है। तो आइए दोस्तों, आज आपको घुमाते हैं पहलगाम। होटल चेकआउट के बाद हम अपनी ट्रेवल एजेंसी गाड़ी में ही निकल गए हैं पहलगाम के लिए। दिस प्लेस लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 90 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। पहलगाम की सुंदरता को शब्दों में बयां करना और सिर्फ वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। आप चाहें तो शेयरिंग टैक्सीज से भी पहलगाम पहुँच सकते हैं, जो आपसे 1000 से 1500 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आप दिल्ली या जम्मू साइड से यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनंतनाग रेलवे स्टेशन नियरेस्ट पड़ेगा। दोस्तों, पहलगाम के पास पहुंचते ही आपको बहुत सारे एप्पल फार्म्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं में से एक जगह हम रुक गए हैं इन एप्पल फार्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पीक समर्स के टाइम पे ये पूरे फार्म्स एप्पल से भर जाते हैं। यहाँ पे हमने एप्पल जूस भी ट्राई किया, जिसका टेस्ट एकदम प्योर और रिफ्रेशिंग था। After having a sip of apple juice, we are heading towards पहलगाम। जिन लोगों को माइथोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, उनके लिए बता दें, पहलगाम को काफ़ी पहले बैलगांव भी बोला जाता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में जाने से पहले यहीं पे नंदी बैल को छोड़ा था, जिस वजह से इसे बैलगांव भी बोला जाता था। अराउंड 4 आवर्स की जर्नी के बाद हेयर वी आर इन पहलगाम। पहलगाम में एंट्री करते ही काफ़ी पीसफुल और चिलिंग वाइब्स आ रही हैं। अगर आप एक पीस लवर हो तो बॉस, यहाँ पे एंटर करते ही आपका जैकपॉट लगने वाला है। यहाँ की खास बात यह है कि इस रोड पे थ्रू आउट लिडर रिवर आपको एस्कॉर्ट करते हुए साथ में चलती है, और इसका पानी हद से ज़्यादा क्लियर है। यू कैन लिटरली सी एवरीथिंग इनसाइड। पहलगाम इज ओपन फॉर ऑल 12 मंथ्स। अभी समर सीजन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, एंड ऑन दी अदर साइड विंटर्स में पूरा पहलगाम बर्फ की चादर से ढक जाता है। दोस्तों, गाड़ी से उतरते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पॉल्यूशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी चेक किया, एंड वी आर सरप्राइज टू सी इट इज़ ओनली 13 पॉइंट्स हियर, which is insane. Wow, very amazing! दोस्तों, बोलना पड़ेगा, अगर आप भी हमारी तरह दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आके आपके लंग्स भी हार्ड रिसेट हो जाएंगे। शायद इसी वजह से यहाँ के लोग काफी हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि मुश्किल से ही एजेड से एजेड इंसान की आंखों पे यहाँ पे आपको चश्मा मिलेगा, एंड दे आर ऑल्सो फिजिकली वेरी एक्टिव। अब हम जा रहे हैं अपने होटल चेक इन के लिए। ट्रेवल पैकेज में जो हमारा होटल बुक्ड है, उसका नाम है होटल सन एंड स्नो। ये होटल पहलगाम के राफ्टिंग पॉइंट के पास लोकेटेड है। दिखने में होटल आपको इतना बड़ा ना लगे, बट सर्विसेज और फैसिलिटीज वाइज ये पहलगाम के किसी भी बेस्ट होटल से कम नहीं। काफी टाइम बाद हमें कोई ऐसा होटल मिला जिसमें सभी चीजें टॉप नॉच थी। हमारा रूम भी डीलक्स प्लस बालकनी कैटेगरी का है,
ग्राउंड फ्लोर पे इस होटल का एक छोटा सा डाइनिंग हॉल भी है जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों बुफे सिस्टम में रहता है। थैंक्स टू यासीन भाई जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, ही वोंट डिसअपॉइंट यू एट ऑल इन सर्विंग यू द टेस्टी फूड डे इन एंड डे आउट। इस होटल के सामने ही लिडर रिवर ट्रिब्यूटरी भी निकलती है। इन इवनिंग वी वेंट देयर टू रिलैक्स एंड एंजॉय द पैनोरामिक व्यू ऑफ पहलगाम। After having dinner, we are going in our room. The room also has all the basic facilities including hot water and heating system. इसमें room heater के साथ साथ mattress heater भी है which is working perfectly fine in the chilling atmosphere of Pahalgam. Pahalgam के किसी भी होटल में आपको सीलिंग फैन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इस रूम की प्राइस की तो इसका एवरेज प्राइस 3000 से 3500 रहता है जो कि सीजन टू सीजन चेंज भी होता रहता है। इसकी डायरेक्ट बुकिंग डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Here's the morning view from our balcony. Just check the view. आज का experience काफ़ी offbeat होने वाला है। आज हम काफ़ी enjoy करने वाले हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं पहलगाम के सभी tourist attractions पर घूमने। होटल में हमने अच्छे से breakfast किया। This is our ninja technique to stay full and save a little money by not paying outside. छोले बहुत अच्छा लग रहा है, smelling very good. अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, adjust कर लेना side में। होटल से कुछ दूर निकलने के बाद ही हम पहुंच गए हैं पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पे। द बैकग्राउंड व्यू ऑफ लिडर रिवर हेयर इज वेरी फैसिनेटिंग। यहाँ पर उतर के आप अपने आप को फोटो क्लिक करने से नहीं रोक पाएंगे। आफ्टर इंजॉइंग हेयर वी अगेन हॉल्टेड एट अ वेरी फेमस पॉइंट जहाँ पे बजरंगी भाईजान का एक सीन शूट हुआ था। यहाँ भी आप अपने लव्ड वंस के साथ कुछ मेमोरीज जरूर कैप्चर करें। फ्रेंड्स, पहलगाम हैज थ्री मेजर अट्रैक्शंस, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनबाड़ी। और इन सभी जगहों पे जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा पहलगाम टैक्सी स्टैंड। दोस्तों, आपको बता दें, चाहे आपकी श्रीनगर टैक्सी हो या पर्सनल गाड़ी हो, पहलगाम टैक्सी स्टैंड से आगे यहाँ की यूनियन टैक्सीज ही अलाउड हैं। और यहाँ से आपको इन सभी जगहों पे घूमने के लिए यूनियन टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। हम पहुँच गए हैं टैक्सी स्टैंड नंबर 1 पे। यहाँ पे सभी टाइप्स की कार और टूरिस्ट स्पॉट्स के हिसाब से रेट लिस्ट लगी हुई है जो सभी के लिए फिक्स्ड है। आप भी अपने बजट के हिसाब से यहाँ टैक्सी बुक कर सकते हैं। इन तीनों ही स्पॉट्स पे घूमने के लिए हमें एक एक घंटा मिलेगा। अगर आपको उससे ज़्यादा इन तीनों स्पॉट्स पे रुकना है तो आपको टैक्सी स्टैंड से ही फुल डे टूर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो अपने होटल तक भी इन टैक्सीज को ऑन कॉल बुलवा सकते हैं। टैक्सी बुक करने के बाद हम सबसे पहले निकल गए हैं अरू वैली के लिए। अराउंड 12 किलोमीटर्स की जर्नी के बाद अब हम पहुंच गए हैं अरू वैली। दिस प्लेस इज सो स्टनिंग। यहाँ पहुंचने के बाद ही हमें रिलाज हुआ कि ये जगह बॉलीवुड की इतनी फेवरेट क्यों है। आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है जिनमें 1986 में दिलीप कुमार की मूवी कर्मा और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का घर दिखाया गया था वो यहीं इस वैली में लोकेटेड है। अगर आपको इस घर की एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। यहाँ की ग्रीनरी और पाइन ट्रीज से भरे हुए पहाड़ एक नेक्स्ट लेवल व्यू देते हैं। After enjoying here for 1 hour, we are now heading towards चंदनवाड़ी which is around 17 kilometers above from main पहलगाम। फ्रेंड्स, चंदनवाड़ी ही वो जगह है जहाँ पे बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है।
अमरनाथ गुफा यहाँ से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। चंदनवाड़ी इज द वेरी बेस्ट प्लेस व्हेन इट कम्स टू ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड माउंटेन्स, एंड एक्सप्लेनिंग दिस इन वर्ड वुड बी रियली अनफेयर टू दिस प्लेस, सो यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस दिस। वी आर रियली लकी, हमारे यहाँ पहुँचते ही यहाँ पे हमें फ्रेश स्नोफॉल मिली। यहाँ पे दिसंबर से लेके मिड ऑफ जून तक स्नो रहती है। गुलमर्ग की तरह आप यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे फोटोज तो जरूर क्लिक करवानी चाहिए। चंदनवाड़ी से नीचे आते हुए आपको लेडर रिवर फ्लो होती हुई दिखेगी। आप यहाँ पे रुककर भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जा रहे हैं दी फेमस बेताब वैली। चंदनवाड़ी से 8 किलोमीटर नीचे आके हमें बेताब वैली दिखनी शुरू हो गई है। ऊपर से बेताब वैली का कुछ ऐसा व्यू है, इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल कैनवस पेंटिंग। हम पहुंच गए इस वैली की पार्किंग एरिया में। इसकी एंट्री टिकट भी है जिसका प्राइस 100 रुपीज फॉर एडल्ट्स है और 50 रुपीज फॉर किड्स है। दिस वैली लुक्स लाइक अ ह्यूज पार्क विच सीम्स टू बी सो पीसफुल एज वेल एज रोमांटिक। यहाँ पे लेडर रिवर और भी ज्यादा सुंदर दिखती है। दी साइलेंटली फ्लोइंग कोरल ब्लू वाटर हेयर इज सो प्योर एंड अनटच्ड, सच अ ब्यूटिफुल व्यू। ये पार्क काफ़ी बड़ा है। अगर आपके साथ एजेड लोग हैं तो आप यहाँ से घूमने के लिए चेयर स्लेज भी हायर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नज़ारे भी बदलते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहीं पे 1983 में सनी देओल की फेमस मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी, इसी वजह से इसका नाम बेताब वैली पड़ा है। यही वो जगह है जहाँ पे सनी देओल का घर बनाया गया था। दिस वैली इज ऑल्सो पिक्चर परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी लवर्स। हमने भी यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करवाई जिसका प्राइस हमें 150 रुपीज पर फोटो पड़ा। ये आपको यहाँ से एक स्लिप देंगे जिसे आप नीचे पहलगाम में जाके इनके स्टूडियो से हार्ड कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं। ये जगह जरूरत से ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। ये जगह इतनी पीसफुल है कि आप बड़े आराम से अपने ख्यालों में खो सकते हैं। थोड़ा आगे जाके इसमें एक चिल्ड्रन पार्क भी है। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ फन पैराडाइज फॉर योर किड्स। यहाँ पे काफी सारी राइड्स और स्विंग्स भी हैं जहाँ पे आप और आपके बच्चे काफी इंजॉय कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे काफी इंजॉय किया। फ्रेंड्स, साइट सीइंग के बाद हम वापस आ गए हैं नीचे पहलगाम टैक्सी स्टैंड पर। इसके अलावा आप यहाँ बाइसरन वैली भी जा सकते हैं जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, बट यहाँ पे गाड़ी नहीं जाती तो आपको ट्रैक करके या फिर पोनी हायर करके ही जाना पड़ेगा। यहाँ आपको पोनी के रेट्स 2 से 3 गुना ज़्यादा बोले जाएंगे, बट आपको अच्छे से बार्गेन करना है। 800 से 1000 रुपये में पोनी वाले मान जाते हैं, बट वी डिसाइडेड टू स्किप दिस प्लेस क्योंकि हमारे पे टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी।
इतना सब घूमने के बाद अब हमें लगने लगी है भूख। मुर्गी नदी आपको यहाँ पे वेजिटेरियन फूड के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम जा रहे हैं यहीं पे लोकेटेड एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आके हमने मसाला डोसा ट्राई किया जिसका टेस्ट भी काफी अच्छा था। इसका प्राइस है 100 रुपीज जो कि थोड़ा रीजनेबल ही है। आफ्टर हैविंग डोसा वी आर गोइंग आउट टू एक्सप्लोर पहलगाम मार्केट। यहाँ पे हमने कुछ कश्मीरी क्लोथ्स की शॉपिंग भी की जिनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। आप भी अपने लिए यहाँ से एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं। दोस्तों जब हम बॉलीवुड और कश्मीर के कनेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम बजरंगी भाईजान के पॉपुलर सॉन्ग भर दो जोली मेरी सॉन्ग को कैसे भूल सकते हैं। आपको बता दें जब आप पहलगाम से 20 किलोमीटर नीचे उतरेंगे तो रास्ते में ऐश मुकाम दरगाह पड़ती है। ये वही लोकेशन है जहाँ इस सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। यहाँ से पूरे पहलगाम का भी काफी अच्छा व्यू दिखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ड्राइवर भैया ने हमें बताया अनंतनाग के रास्ते में मार्तंड सूर्य टेंपल के बारे में जिसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। हमारे पास थोड़ा स्पेयर टाइम था तो हमने यहाँ जाने का भी मन बना लिया। सूर्य देवता का ये मंदिर देखने में एकदम यूनिक और सुंदर है। ये मंदिर कश्मीर के उन मंदिरों में से है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से सूर्य देवता का जन्म यहीं पे हुआ था। यहाँ पे दो कुंड भी हैं। माना जाता है कि ये पानी सीधे अमरनाथ गुफा के शेषनाग लेक से आ रहा है जिस वजह से दिखने में ये पानी काफ़ी साफ और ठंडा भी है। हमने यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही यहाँ से पानी ले आते हुए देखा। अगर आप भी इस रूट पे आते हैं तो यहाँ आके आप सूर्य भगवान के दर्शन ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर आपको ओरिजिनल केसर लेना है तो आप उसे पंपोर एरिया से ले सकते हैं। जब भी केसर की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र होता है कश्मीर का, और कश्मीर में पंपोर ही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर उगाया जाता है। आपको बता दें ये एरिया श्रीनगर और पहलगाम के बीच पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे आसपास चारों तरफ आपको सैफ्रन फील्ड्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से पूरे इंडिया में सैफ्रन सप्लाई होता है। यहाँ की मिट्टी से लेके क्लाइमेट तक सभी चीज़ें केसर ग्रो करने के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। दोस्तों सैफ्रन कश्मीर में और भी जगह उगाया जाता है बट क्वालिटी इधर की सबसे बढ़िया होती है। एकदम कड़क माल है ना। यहाँ पे आपको प्राइजेस भी रीजनेबल मिलेंगे और क्वालिटी भी एकदम टॉप क्लास होगी। हमने जिस शॉप से सैफ्रन परचेज किया उसका नाम है कोंगवेर। ये शॉप लेथीपुरा एरिया में लोकेटेड है। यहाँ से हमने 10 ग्राम सैफ्रन परचेज किया जिसका प्राइस हमें पड़ा 2400 रुपीज। इतना सब घूमने के बाद हम काफी थक गए हैं। टुडे वी एंजॉयड अ लॉट इन मेस्मराइजिंग लैंडस्केप्स एंड माउंटेन्स ऑफ पहलगाम। यू कैन क्लियरली सी द ओवरडोज ऑफ विटामिन एम। एंड एज फार एज आवर सेफ्टी एक्सपीरियंस इज कंसर्न वी फाउंड कश्मीर टू बी सुपर सेफ टू ट्रेवल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी पहलगाम की मेमोरेबल जर्नी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको पहलगाम टूर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और इससे पिछली वीडियो में हम आपको श्रीनगर और गुलमर्ग की टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे लेके गए थे, वो वीडियोज़ भी आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आने वाले अगले वीडियोज़ में हम आपको कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसको आपको यहाँ आने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप स्ट्रोलिंग एंड स्टे ट्यून्ड।